गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं हम अंकुर के बारे में। भैया अंकुर जी का काम नहीं चलता है निधि के बिना, ये बात सच है। और ये बात कब से नोटिस की जा रही है मैं बताती हूं कब से। तब भी इनके पास में कोई स्पॉन्सर वीडियो आती है ना तो ये निधि को ला देते हैं बीच में। कभी गौर करके देखना, आगे मैं भी सबूत में दिखाऊंगी। कभी भी इनको व्यू चाहिए होते हैं ना, इनको पता होता है कि इस वीडियो पे व्यू आएंगे, चाहे वो ममा अर्थ का हो अमेजोन का होगा। व्यू नहीं आएंगे तुम्हारे उनके बिना, तुम्हें पता है अच्छे से। तो तुम वहाँ क्या करते हो, कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें, इसे कहते हैं बहन का फ़ायदा उठाना। हालांकि इस भाई ने तो शुरू से ही फ़ायदा उठाया है। बहन ने यूट्यूब चैनल खोला, किस तरीके से भी खोला, रो धो के खोला या कैसे भी खोला, कुछ भी करा, सपोर्ट तो भाई को बहन की वजह से ही मिला, ये बात तो जग जाहिर है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पर, किन लोगों को गलतफहमी हो जाएगी कि मैं निधि के लिए सिंपैथी दिखा रही हूँ या फिर मैं निधि को सपोर्ट कर रही हूँ। ना 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 ना, यहाँ पर अंकुर की गलतियाँ गिनाई जा रही है, पर निधि वो एज इट इज है। जहाँ पर वो गलत है उसको गलत बोला जाएगा, जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बोली जाएगी। लेकिन यहाँ अंकुर की बात चल रही है तो उसकी बात बता देती हूँ कि भाई ये आदमी भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि इस आदमी से उम्मीद रखी जाती थी, इस आदमी को कहा जाता था जब भी विहान के साथ में कुछ गलत होता था, लोगों को बुरा लगता था तो ये कहा जाता है ताकि ये भाई गोद क्यों नहीं ले लेता उसको, उसको गोद ले लेना, अडोप्ट कर ले उसको। तो आप इस आदमी से उम्मीद कर रहे थे जो अपने बच्चे को छोड़ के बैठा हुआ है? इस आदमी से उम्मीद किस चीज की जा सकती है जिसपे अपना खुद का बच्चा नहीं संभला, जो अपने खुद के बच्चे से मिलने तक नहीं गया? वो भी चीज मैं बताऊंगी, मिलने ये गया है लेकिन ये मिल नहीं पाया। आई होप जब ये अपनी स्टोरी बताए तो उसमें बताए कि आखिर क्यों नहीं मिलने पाया। बाकी तो सबूत आ ही जाएंगे सामने, पर सच्चाई जो है वो जरूर बताना, क्योंकि आपको आदत है ना बातों को घुमाने की, अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा दिखाने की। ये इंसान शुरू से ही ऐसा है, इसको फायदा उठाना होता है बस सिचुएशन का। चाहे ये उसमें अपनी स्पॉन्सर वीडियो घुसा दे, चाहे ये कुछ घुसा दे, इसने सबसे पहले शुरू किया लड़कियों का फायदा उठाना यूट्यूब के लिए। यूट्यूब के लिए वर्ड सुन लीजिएगा किस तरीके से, इसकी हर एक दूसरी तीसरी वीडियो में नई लड़कियां आती थी सिर्फ दिखाने के लिए। ऐसा तो कुछ खास नहीं था लेकिन फिर भी आती थी, क्यों? इसने आज तक सिर्फ उस लड़की को नहीं दिखाया जिससे इसकी बेटी है, बाकी इसने सब लड़कियों को दिखाया है, आखिर क्यों? एक इंसान जब रिलेशनशिप में होता है, मेरी प्रीति, और नाम भी झूठा है भाई, प्रीति नाम नहीं है उसका, प्रीति प्रीति करके कितनियों की शक्ल इसने दिखाई भी उसके लिए, लेकिन प्रीति नहीं दिखी कभी, क्योंकि वो प्रीति है ही नहीं, उसका नाम प्रीति है ही नहीं। जिस लड़की से इनकी एंगेजमेंट हुई थी और जिससे बच्चा है, वो दोनों लड़की सेम ही है, एंगेजमेंट वाली और बच्चे वाली सेम है, और इनकी गर्लफ्रेंड भी वही है बहुत टाइम से। लेकिन जिनके साथ ये घूमते फिरते हैं वो प्रीति के नाम पे, जिनकी शक्ल इन्होंने आज तक दिखाई है वो कोई भी नहीं है। वो इन्होंने स्टार्टिंग में जब यूट्यूब पर आए किसके नाम से आए, निधि के नाम से आए। भले ही उसने किसी तरीके से व्यू लिया हो, लड़की ने कुछ भी किया हो, लेकिन उस वक्त ये आया तो उसी के नाम से है। क्या वो ये उस वक्त उसके नाम से नहीं आया था, कोई इसको पूछने वाला था, ऐसा कुछ खास था इसकी व्लॉगिंग में जो इसको सपोर्ट करते? नहीं, किसकी वजह से सपोर्ट किया, निधि की। जब इसने देखा कि भाई पलड़ा भारी है नहीं उसका, लोग उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसने सपोर्ट किया। लेकिन अचानक से ये महाराज पलट जाते हैं जब ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा हेटरेट पड़ रहा है उसको, तो ये पलट जाते हैं। एक आदर्श बेटा, एक आदर्श लड़का, सब कुछ बनने की कोशिश करते हैं। कभी समझा इस चीज को, आखिर ऐसा क्यों है? ये पलट गए एकदम, जैसे ही जनता पलटी ये पलट गए एकदम, क्योंकि इनको गुड बुक्स में रहना था, इनको रिएक्शन चैनल वालों के गुड बुक्स में रहना था, इसलिए पलट गए। उसके बाद में ठीक है, जो भी चीजें हुई, हर बार ये लोगों को, जब भी लोग निधि कुछ गलती करती, अपने माँ बाप को डीमोटिवेट करती, उनको जो है बदनाम करती या कुछ भी करती, लोग इनको टॉर्चर करते, इनको परेशान करते या कुछ भी करते, इसको जाके बोलते ना अंकुर को कि भाई उसका पोल खोलो, तो ये हाँ मैं पोल खोलूंगा, मैं ये कर दूंगा। आज तक खुली वो पोल, कितना बेवकूफ बनाया इसने,
कभी किसी की लाइफ में जाने की बात, कभी कुछ बात, बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन खुली वो पोल नहीं, कभी नहीं। इन्होंने हमेशा अपनी बहन को ये दिखाया है कि ये तो बहुत गंदी रहती है, मैं बहुत साफ सुथरा रहता हूँ। वो डेली वो गंदी रहती है, तुम साफ सुथरे रहते होंगे, लेकिन क्या तुम्हें वो चीज़ें दिखाने का हक था? क्यों दिखाई? क्योंकि पब्लिक वो देखना चाहती थी, पब्लिक वो चीज़ें करना चाहती थी। और कभी ये सोचा है जो चीज़ें सामने आई थी कि अपने पापा को किस लिए रखता है? सबको पता है फाइनेंशियली किस पे डिपेंड है ये। यूट्यूब से जो थोड़ी बहुत इसकी इनकम आती है वो आती है, उसके अलावा कोई जॉब तो इनकी नहीं है, तो कहाँ से इनके पास पैसा आता है? जो गाड़ी ये चलाते हैं उसमें पेट्रोल फ्री में डल जाता है, खाना फ्री में आ जाता है, कहाँ से चला जाता है? पापा का पैसा आता है इसलिए पापा को साथ में रखा जाता है, मम्मी का कोई नहीं आता तो मम्मी को नहीं रखते। बस जब भी लोग टोंट कसेंगे ज़्यादा वो बोलेंगे तो आके माँ की एक वीडियो बना देंगे जैसे कि दिखा सके। कभी माँ को क्यों नहीं लेके गए इस तरीके से जबरदस्ती, जिस तरह पिताजी को उठा के लेके जाते हो? जरूरत नहीं महसूस हुई? ये इंसान जिसको लोग चाहते थे विहान की जिम्मेदारी उठाए, इस इंसान ने विहान का भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फायदा उठाया, जिससे हमको भी और लोगों को भी गलतफहमी हो गई थी कि ये बहुत ध्यान रखता है, बहुत प्यार करता है। इनका कहना यह है, जबकि किसी की बस का एक्सीडेंट हुआ था, विहान को मामा याद आया था, मामा याद आया था, लेकिन वही विहान जब इतने दिनों से मामा के साथ में ही था, वो इतना डरा हुआ क्यों था? चिल्ड क्यों नहीं था? एकदम मस्त क्यों नहीं था? आप मारपीट करते थे उसके साथ में इसलिए, या उसके सामने दूसरों को गाली देते थे या चिल्लाते थे इस वजह से? एक चीज और बता दूं, मैं मारपीट से मुझे याद आई एक गलतफहमी और दूर कर दूं। जिनको ये लग रहा है कि निधि ने कभी विहान को नहीं मारा होगा और अंकुर ने जो बात बोली थी कि वो जब वो गन टूटी थी उस वक्त में जो बात हुई थी, वो बात सच है, वो बात सच है। जब वो गन इसकी आंख में लगी थी निधि के, उसने तोड़ी थी, इसने विहान को मारा था। अगर वो बच्चा आज के टाइम में इतना डरा हुआ है, इतना परेशान है, वो दिखाई दे रहा है, लोग उसको फील कर पा रहे हैं, तो आप उस दिन की वीडियो, उस दिन की लाइव भी देख सकते हैं। उस लाइव में उस बच्चे ने साफ बोला है, आपने मुझे मारा है। अगर बच्चा आज सही है तो उस वक्त भी सही था, निधि ने भी उसके ऊपर हार्ट अटैक गुस्से में मारा था। और जिस वक्त इसने वो गन को तोड़ने वाली वीडियो बनाई थी, उस वक्त साफ उस बच्चे के मुंह से दिख रहा था कि वो बहुत रोया है, गन के लिए नहीं रोया, क्योंकि उसने मारा था इस वजह से वो रोया था। तो अगर अब की बात सच्ची है विहान की बोली हुई, तो वो बातें भी सच्ची है, हाथ वो भी उठाती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि बच्चों को सुधारने के लिए हाथ उठाया जाता है, ये करने के लिए हाथ उठाया जाता है, वो करने के लिए हाथ उठाया जाता है, अगर बच्चों को मारपीट से ही सुधारे जा सकते हैं ना, तो आज के टाइम में कोई खराब ही ना होता यार। इंडियन लॉ भी ना छोटे बच्चे को मारने की परमिशन नहीं देता, समझाने की देता है। अगर आप ज्यादा बच्चे से इरिटेट हो रहे हो तो थोड़ी दूरी बना लो, डांट लो, लेकिन पनिशमेंट देना और मारना दो अलग चीजें हैं, ये इंडियन लॉ भी अलाउ नहीं करता, इसलिए ही हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। हालांकि चीजें सुनने में काफी लगती है कि बच्चा ज्यादा जिद कर रहा है तो उसको डांट दो, थोड़ा सा मार दो, लेकिन जब इंडियन लॉ ही उस चीज के लिए नहीं बोलता तो हम क्यों बोले? दूसरी चीज, क्या अब भी इतनी कुछ असलियत आ जाने के सामने के बाद भी आपको ये लगता है कि ये इंसान किसी बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के लिए वो था, संभाल सकता था? इसने ये कुछ भी स्टोरी बनाया कि इसने अपनी बेटी को क्यों छोड़ा, क्यों नहीं गए, या कुछ भी है, कुछ भी स्टोरी सुनाए, लेकिन जो अपनी बेटी को छोड़ के बैठा है, आप उस इंसान से ये उम्मीद करें कि वो एक परफेक्ट मामा होगा जैसे कि ये दिखाते हैं? विहान के बर्थडे पे भी टाइटल थंबनेल से ही समझ जाना चाहिए था लोगों को कि ये क्या चाहते हैं। एक कड़ा फैसला लिया है किस चीज का, बच्चे को कहाँ ले जाने का, लेकिन उससे क्या लग रहा था कि बच्चे को जो है अनाथालय में डलवा देने, इस टाइप का इनका थंबनेल और टाइटल था, लेकिन कहाँ ये लेके गए। दूसरा की कस्टडी ले ली है विहान की, क्या कस्टडी थी कि विहान को भाई जन्मदिन पे कहीं लेके जा रहे हैं, ये कस्टडी थी। तो ये है इनका खेल,
इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी के बीच ना ट्रैप में मत आइए, ना तो कोई अच्छा ना तो कोई बुरा, लेकिन ये इंसान भी कम नहीं है। अब इसने इतनी सारी चीजें बता रहा है कि इसने निधि ने जो मारा था, ये की था वो कुतिया, जब इसके माँ बाप के सामने आती है तब तो ये नहीं बोलता, लेकिन जब इस पर उंगली उठाने शुरू हो जाती है तभी ये क्यों सामने आता है अपनी सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि अपने आप को क्लियर दिखाना चाहता है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच।